This movie is encoded by Dr. Star. चलो निकलो यहाँ से। यहाँ तो सिर्फ पार्टी चल रही है। चलो जल्दी जाओ वरना मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, समझे? अरे खत्म हो रही है पार्टी। चलो जल्दी 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 निकलो यहाँ से। कम ऑन, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हुआ कि तुम यहाँ से जल्दी निकलोगे, यहाँ रुकोगे तो बहुत पछताओगे। सॉरी सर, सॉरी सर। हेलो, सुनो जेंसी, यहाँ लेकर आओ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है, यहाँ ले आओ। कैसे हो? लगता है इसे पकड़ने में काफी तकलीफ हुई। तकलीफ मुझे इस बात की, उसने मेरे ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मार दिया है। ये क्या हो रहा है? पहले तुम मेरा पुराना हिसाब क्लियर करो, अभी के अभी। ये रहे तुम्हारे पैसे, उसे यहाँ लेके आओ। हाँ। तुमने उसे टैंक में कैसे डाला? बताता हूँ। छोड़ो, जल्दी आओ, एक रस्सी लाओ, जल्दी करो, जल्दी करो, ऊपर जाओ, जल्दी ऊपर जाओ, रस्सी से बांधो उसको, चलो यार जल्दी करो। Ah! Ah! Ah!
माय गॉड, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। सही कह रहे हो। जाओ उस ट्रक को ले जाओ। ओके। लगता है गर्मियों की शुरुआत काफी अच्छी हुई है। ओके, तो तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे शर्त लगाई है मेरा नंबर लेने के लिए। कौन थे वो? ओ कम ऑन यार, मैं तो प्यार से ही बात करता हूँ, मैं तो तुम्हारा हूँ। ओह, तो करते रहो प्यार। जल गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को यहाँ बहुत मजा आ रहा है। मजा आया ना सबको। यहाँ हम जो भी कुछ कर रहे हैं उसका सारा पैसा उसकी बहन को मिलेगा। हाँ, वो वही है जो वो खड़ी है, जो मुझे ना जानने का नाटक कर रही है, वो रही वो। हाय क्रिस्टल, इधर आइए। 6 बज गए हैं यहाँ और मार दो मुझे। ये टेबल मुझे कौन साफ करके देगा? एंजॉय। अभी टाइम हो गया है मगरमच्छ को खाने खिलाने का। चलो, किसे खिलाना है मगरमच्छ को? जल्दी बताओ, मगरमच्छ को कौन खिलाना चाहेगा? थैंक यू। ठीक है, ये अच्छी बात है। इसके खाने की क्षमता है 2,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका जबड़ा एक इंसान को खा सकता है, तुम्हारे जैसे छोटे का नहीं, मेरे जैसे बड़े आदमी का भी। तुम्हारे भाई को डर नहीं लगता ये सब करने में? नहीं, उसने इससे भी डरावने जानवर का सामना किया है। मगरमच्छ से ज्यादा डरावना है क्या? पता है तुम्हें, ये मगरमच्छ से भी ज्यादा डरावना जानवर है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसे तुम लोगों का ख्याल नहीं आता? हाँ, आता तो है, हमें खुश रखना चाहता है हमेशा। हाँ, ये तो आएगा। हाँ, ख्याल तो आएगा ही। एक मगरमच्छ अपने पूरे खाने को निगल जाता है, वह अपने दांतों से नहीं चबाता, वह अपने खाने को पकड़ता है। उसे वैसे भी मेरी पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, और उसके बाद वो उसे निगलता है। मगरमच्छ जमीन पर 30 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। क्या तुम दौड़ सकते हो 30 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से? जैक्सन को ज्यादा पीने मत देना, उसे काफी चढ़ चुकी है। ठीक है बॉस। हाय मिस्ट्री मैन, बताओ क्या है? कॉफी। हाँ, मुझे पता है तुम यहाँ रोज आते हो और कभी खाना ऑर्डर नहीं करते, कोई प्रॉब्लम है? मुझे कॉफी पसंद है। ये कॉफी ही है, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है मैंने पता लगा लिया है। वो क्या? तुम एक घूमते फिरते सामान बेचने वाले हो? नहीं। ओके, तो मुझे लगता है कि तुम एक जासूस हो। तुम्हारा पहला अंदाजा सही था, मेरा नाम टॉमी है। तुम्हारा एक नाम भी है? मैं रेचल। पता है। ए, रुको रुको, एक मिनट, मैं उस मगरमच्छ को खाना खिला सकता हूँ। वो मगरमच्छ मेरे सामने। चलो चलो जैक्सन, यहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं, कम ऑन। सिंपली है। अरे जैक्सन, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम
देखो लोगों की पार्टी मत खराब करो प्लीज। चलो चलो चलो, मुझे जाना होगा। अच्छा रुको, तुम्हें पढ़ने के एक्शन टीम, गेटर रोड पे जाओ जल्दी, हमें फोन आया वहाँ पे कि वहाँ मारपीट हो रही है। ओके सर, आ रहा हूँ। कम ऑन जैक्सन। जैक्सन क्या कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा दिमाग क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम ठीक हो? अरे यार, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा, मैं चाहता नहीं था। चलो भाई चलो। अरे चलो चलो चलो, क्या तुम ठीक हो? चलो। हाँ हाँ, देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, मैं उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहता था। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे माफी मांग लूं तो मैं उससे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन गलती उसकी थी। प्लीज सर ये लीजिए। उसे मैंने बार बार मना किया फिर भी वो मेरी बात नहीं माना, तो मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। मारपीट का केस रेचल, ये सब क्या है? जैक्सन प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, इसमें जेसन की कोई गलती नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ कहा था उसके बारे में, कुछ सोचा? मेरा बॉयफ्रेंड है शेरिफ। हाँ मुझे पता है, वो बारटेंडर जो सबसे हंस के बात करता है। तुम जेसन को छोड़ोगे या नहीं? वो तो पता नहीं, मगर आज रात का खाना तुम मेरे साथ खाओगे? अगर मैं कहूँ कि मैं सोच के बताऊंगी तो? हाँ सच्ची? शायद हाँ होगा। तो मैं केस में लिख दूंगा यहाँ जो कुछ भी हुआ वो सब गलत था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग। हाँ थोड़ी सी। शुक्रिया। हाँ ठीक है, छोड़ दो उसे। ओके सर। चलो चलो। हाँ ठीक है। कैसी हो? सॉरी यार होटल बंद हो गया है। चलो बियर ले लो, हम बोट पे चलते हैं। अरे छोड़ो, अगर होटल बंद हो चुका है तो तुम तो फ्री हो ना? अरे नहीं, मुझे अभी साफ सफाई करनी है। इस हफ्ते तुम हमारे साथ पार्टी करने आओगी? हाँ ये अच्छा आइडिया है। हाँ। मेरी बहन मुझे नहीं जाने देगी। अरे चलो ना यार, हम लोग एक बोट भाड़े पे लेने वाले और लेक पे जाने वाले, वहाँ बहुत मजा आएगा। मेरी बहन मुझे मार डालेगी और फिर कब्र पे मेरा नाम लिखा जाएगा। ओके, अगर तुम जिंदा रही तो इस नंबर पे प्लीज मुझे कॉल कर लेना। क्रिस्टल। बहुत अच्छा है क्रिस्टल, यही पहन के आना। ओके वही पहन के आना, समझी? बाय। देखते हैं गेटर शेड कैसे चलता है मगरमच्छ के बिना।
आ जाओ मेरे पास, आ जाओ ले लो। आ, आ। बहुत गड़बड़ हो गई रे। चल बताओ मुझे यहाँ क्या हुआ है। मगरमच्छ मर गया। मर गया कैसे? किसी ने खा लिया उसे। मगरमच्छ को कौन खा सकता है? क्या मत बताना। क्या मत बताना? शार्क थी शायद। शार्क? एक शार्क? कुछ भी रेचल, कल रात को मेरे जाने के बाद कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मुझे क्या पता है, ये सुनने में अजीब है पर मैंने वही देखा। तुमने देखी एक शार्क, वो भी दलदल में? हाँ, एक स्वाम शार्क। कुछ भी यार, भाड़ में जाओ। तुम्हें शायद नहीं पता लेकिन ये सच है। ये सच नहीं है, शार्क नमक वाले पानी में रहते हैं मेरे दोस्त। दरअसल सब शार्क नमक वाले पानी में ही रहते हैं। कोई कोई शार्क सादे पानी में भी रहते हैं, जैसे मेदुल्ला, पिग्मी, रेगनार, और वैसे शार्क नमक वाले पानी में रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सादे पानी में तैर नहीं सकते। मुझे ये सब पता नहीं था। ये बहुत होशियार है। नहीं, मैं डिस्कवरी ज्यादा देखता हूँ। ओह क्या बात है, हमें तुम्हारी मदद की गरज नहीं है शरीफ। ये कोई तरीका है तुम्हारे होने वाले पति से बात करने का? पता है यहाँ पर आना मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ 5 बजे सुबह गोली चली थी। तुम्हें पता है कि मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा। मंडली है यहाँ पर। सर ये सब क्या है? मुझे लगता है कि जैक्सन यहाँ पर आया था बदला लेने के लिए। तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारे भाई को पता होगा। मैंने यहाँ बहुत सी अजीब चीजें देखी हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये नामुमकिन है,
तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा पूछताछ के लिए। मैंने क्या किया है? मैंने तो नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है। इसने क्या गुनाह किया है? मैंने अभी तक इस पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है, पर मुझे पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं। सर, ये क्या है? हे भगवान, मुझे लग रहा है जैक्सन है। क्या किया तुमने उसके साथ? उसको काट के मगरमच्छ को खिला दिया? नहीं कर सकता। कल उसके निकलने के बाद मैंने उसे देखा ही नहीं, यही सच है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई सबूत है क्या दिखाने के लिए? हमें अकेला छोड़ दो और जाकर सबूत की तलाश करो। मुझे पता है क्या हुआ यहाँ पे। मुझे लगता है कि तुम आसानी से नहीं बताओगी। वो शार्क थी। क्या? मैंने यहाँ कल रात को शार्क देखी। पूरा गेटर शेड तहस नहस हो गया था। मैंने देखा, मैंने उस पर गोली चलाई और वो चली गई। वो हमारे मगरमच्छ को खाने के लिए आई होगी और लगता है उसने जैक्सन को पकड़ लिया। मैंने बहुत सुन लिया। तुम मुझसे कह रही हो कि यहाँ पर एक शार्क है? दरअसल मेदुल्ला शार्क। अब मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे जज मैथ्सन को बुलाऊंगा और तुम्हारी ये सारी सर्कस बंद कर दूंगा। पता लगाऊंगा ये सब क्या। तुम ये नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ। शेरिफ वॉटसन, हेडक्वार्टर से बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ। शेरिफ, यहाँ पर एक चोरी हुई है। हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, ठीक है? तू ये नहीं कर सकता। चोरी हुई है, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना पड़ेगा, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हम नया काम ढूंढेंगे। वो ये पहले से ही बंद करवाना चाहता था। जो तुम्हें करना है करो, मैं शिकार करने जा रही हूँ। किसका? जो भी मैंने देखा उसका। उसने हमारे मगरमच्छ को खाया, जो भी वो है। उसने जैक्सन को भी मार दिया। मैं कहती हूँ हम उसका शिकार करते हैं, उसे मार देते हैं। हम उसे वापस शेरिफ पॉटिन के पास लेकर आते हैं। ये सिर्फ एक होटल है। 49.5 years से होटल चला रहे हैं। ओके, जिसको मेरे साथ आना है वो आ सकता है। ओके, तुम उसका शिकार कैसे करोगी जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानती? मुझे नहीं पता कि वो क्या है, पर मुझे ये पता है कि वो कहाँ मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी की वजह से ये मुझे मिला। मुझे नहीं पता था इसका इस्तेमाल होगा। एक मिनट रुको, वहाँ पे ट्रैकिंग चिप्स है सब। पासवर्ड? वो डैक, एक शब्द। अगर उस शार्क ने मगरमच्छ को खाया है तो ट्रैकिंग डिवाइस उसके पेट में होगा। हाँ, बाकी बचे मगरमच्छों के साथ। यकीनन, वेबसाइट के अनुसार हर 10 मिनट में वो लोकेशन सैटेलाइट डालता है। अगर वो चल रहा है तो मैं उसकी जानकारी। रुको, ये देखो, ऐसा लगता है कि वो टाउन में है। लगता है उसने उसके हर एक टुकड़े को खा लिया है। अगर हम उसे पकड़ते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? आसान है, वो इसे खोलकर मगरमच्छ को पहचान लेंगे। लेकिन हम इसे साबित कैसे करेंगे? वो लोग उसके दांत का एक हिस्सा निकालकर उसके हाथों के निशान ले सकते हैं। क्या? शार्क को पकड़ो, होटल को बचाओ। डन डन। क्या ये मजाक है? मैं बात करता हूँ उससे। ये सब क्या है? क्या? शॉर्ट्स, कूलर। हम शिकार करने जा रहे हैं, पिकनिक मनाने? मैंने शॉर्ट इसलिए पहना है क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, और कूलर में जो है वो पिकनिक के लिए नहीं है। ओके, कूलर हम ले जाएंगे, तुम्हें ही रुकना पड़ेगा। पापा मम्मी ने मुझे जाने दिया होता। पापा मम्मी यहाँ नहीं है, रेचल और मैं हूँ यहाँ पे। तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। ये सही बात नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोगों को आना है, पर मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती, समझ गए? हम समझ सकते हैं। हाँ, मेरे पास ये मशीन है जिसे तुम्हें शार्क कहाँ है पता चल जाएगा। बस ध्यान रखना।
शुक्रिया। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं? शार्क का शिकार करने, तालाब के बीच। हमारे पास बहुत आदमी है, सुना तुमने? तुमने सुना ना? क्या बात है, ये हमारे साथ आ सकता है? ये काम का है। कौन है ये? मुझे अभी भी लगता है कि एक बुरी आइडिया है। वो एक अनजान आदमी, और वो हमारे होटल में आता है कुछ समय से। इतनी जल्दी विश्वास क्यों नहीं? ऐसे ही मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जल रहे हो? उससे हाँ। मैं जलूंगा? ये पागलपन है। क्या तुम उन लड़कों को सच में कॉल करने वाली हो? तुम्हें क्या करना है, वो लोग अच्छे थे। अच्छे? फालतू लोग हैं एकदम। ये कोई नई बात नहीं है कि कोई लड़का मुझे पसंद करता है। मुझे तो बस। तुम्हें क्या? कुछ नहीं। जैसन बोर्ड रोको, ट्रांसमीटर बता रहा है कि हम लोग पहुंच गए हैं, पर वो तो एकदम शांत है एक घंटे से। अजीब बात है। मुझे मिल गया। कहाँ? देखो वहां पर और भी है। या तो हमारे मगरमच्छ राग बन गए या फिर उसने पूरी। शार्क! क्या तुमने अभी वो शार्क को देखा? तुम सच बोल रही थी? चल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ पे उसका शिकार करने आए, मुझे लगा तुम मदद करना चाहते हो। वो मैंने तब कहा था जब तुम मुसीबत में थी। हमें शेरिफ को अभी बुलाना चाहिए। हम खत्म कर देंगे वो, देखो। क्या कर रहे हो? ये मुझ पे छोड़ दो। जल्दी मारो उसे। मुझ पर छोड़ दो। चलो यहाँ से। हाँ? वो हमें डुबाने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा रोको इसे। व्हील को छोड़ो। तुम क्या शांत का शिकार बनना चाहती हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। भी नहीं, यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो वो शार्क हमारा शिकार कर लेगा। ऐसे क्या
प्रॉब्लम है तुम्हारी? हम बिल्कुल ठीक है, जब देखो तब को डरा रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, वो हमें सुन लेंगे। तुम उनके बारे में मत सोचो। हे, कहाँ चले तुम दोनों? चलो उस तरफ, मैंने एक छोटी नाव देखी है, उसमें जाते हैं। तो फिर चले। It's coming to a noble cause. Yeah, I'll go on that one. You go. I ain't gonna remember the time. Hey guys, where are you going? Oh, we'll be back. Yeah, don't worry about waiting up for us. We might be a while. Oh, so you're not going to have sex then? जा सकते हो? रस्सी पकड़ो। छोड़ दो उसे। बोट को काफी नुकसान पहुंचा है। ये मेरे डैड की बोट है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। शुक्रिया। There it is. Come on. हे भगवान, एक बात बोलती हूँ मार्कस, अगर मगरमच्छ ने हम पर हमला किया ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। So paranoid. I'll be scared. तो कैसा लगा यहाँ आके? यहाँ डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं है। Yeah, I think this is perfect. As long as we don't fall in. Well, I guess we'll just have to be careful. Hold that pose. Damn. Here we go. And Marcus. What? Let me see. Damn, I'm cut. No. Look. It looks like a... What is that? You know what? Maybe it's nothing. Maybe. Oh. Maybe it was just your hair. Marcus, take me back. Take me back. Oh, seriously, Marcus, take me back now. Take me back now. I'm serious. All right. You owe me. Get me back to shore and you can have whatever you want. Hmm? Won't you go? Come on. Do it, buddy. That's it. We drink. Kya hua? शार्क है यहाँ पर, हमारी मदद करो। मार्कस जल्दी, मदद करो। मार्कस!
कुछ तो दो जिसे वो मुंह में पकड़ सके। ठीक है। ओके ठीक है भाई, तैयार हो? आराम से आराम से। 1 2 3 कूल कूल। बहुत दर्द सहन करना पड़ा, इससे और बुरा हो सकता था। अब तो मैं चल सकता हूँ ना? हाँ। क्या तुम पागल हो? तुमने उस जानवर को नहीं देखा? तुम्हारा घुटना देखो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हार मान लो दोस्त, इसीलिए तुमने कभी फुटबॉल नहीं खेला। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, इस बोट को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसके लिए? मैं वहाँ पर वापस जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई बड़े औजार है? हाँ है, वहाँ ऊपर। क्या तुम पागल हो? देखो, उसने इंसानों का शिकार किया है तो मुझे लग रहा है कि उसे और शिकार करने से पहले हमें उसे पकड़ना चाहिए, नहीं तो नहीं पकड़ सकते। डरो मत, उसे मार सकते हैं। तुम्हें कैसे पता तुम उसे मार सकते हो? तुम्हें नहीं आना है तो बता दो, हम संभाल लेंगे। मुझे पता है तुम उसकी तरफ कैसे देखते हो। मैं समझा नहीं। मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहो, समझे? बस हो गया, अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। तुम बेवकूफो जैसे बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसकी तरफदारी कर रही हो? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही। यही तो मुसीबत है, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो, मेरी नहीं। अरे यार, कुछ टाइम दो मुझे। मुझे कोई भी लड़की मिल सकती है, तुम ये जानती हो ना? मुझे लगता तुम मुझे मारना चाहते हो? कुछ करो। मारो, मारो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। कम ऑन, बोल तो तुझे भी नीचे फेंक दूं। शांत हो जाओ यार। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। झगड़ा तुमने शुरू किया था, मैंने नहीं। आप तो तुम क्यों झगड़ रहे थे? तो कर रहे थे। मैंने कहा था ना, तुम सोचते हो इसके लिए मुझसे झगड़ा कर रही हो? मुझे झगड़ा करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी भी झगड़ा नहीं। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ओह नहीं नहीं, वो टाइलर की गलती थी। अच्छा। हाँ, मैंने तुमसे तुम्हें बैंडेज की जरूरत है, रुको। उसे झगड़ा करने की जरूरत क्या थी तुम्हें? तुम बहुत शांत थे वहाँ पे। वैसे मैं शांत ही हूँ। राइट। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो क्रिस्टल और मैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम उसे पसंद करते हो? हाँ, मैं उसे पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा, पर वो सिर्फ मेरे दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूँ, बस वो कभी समझ नहीं पाएगी। मौके का फायदा उठाओ। क्या? एक बार पूछ के देखो। क्या? मार्टिन और मैं कुछ बात कर रहे थे, मौके का फायदा उठाओ। क्या? अरे यार नहीं। क्या? रुको मैं आती हूँ, सुनो। तुम्हारा कंधा कैसा है अभी? कोई ज्यादा बड़ी चोट तो नहीं आई ना? अरे नहीं, ठीक है। और तुम्हारी बहन ने जो दवाई लगाई उसके लिए शुक्रिया। हाँ, पर टाइलर को ज्यादा चोट आई। मुझे माफ कर दो इन सब के लिए। तुम्हें पता है आज का दिन बहुत अजीब था, लगता है पूरे दिन दिमाग में वही चलेगा। हाँ वो तो होना ही चाहिए, मुझे कल वापस जाना है खत्म करने के लिए। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। क्या तुम मेरी मदद करना चाहते हो शिकार के लिए? हाँ जरूर, पर मुझे अभी निकलना चाहिए, नहीं तो। हाँ जाओ और थोड़ा आराम कर लो। हाँ करूँगा। और गायब मत हो जाना, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ पक्का। हाँ मुझे ही बंद करना है। क्या नींद आ रही है तुम्हें? नहीं। क्या तुम आज होटल खोलोगी? जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आता तब तक चालू रखना पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है शार्क का शिकार करने के अलावा? हाँ, सही बात है। तो अब हमारे पास क्या है? मैं अभी भी उस शार्क के जाति का पता लगा रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है जैसे तुमने मुझे बताया था। वो सुरक्षा कवच गाल होना चाहिए जो बना रहा है कुछ, मुझे ऐसा लगता है शार्क इतने जीते नहीं। क्यों? ये देखो, 3 हफ्ते पहले शार्क ने एक हमला किया था मैक्सिको के गल्फ में,
यहाँ से 100 मील की दूरी पर। कुछ मिनटों के बाद पानी विशेषज्ञ ने ये लिखा था, ये प्रभु समुद्र की गहराई में कुछ समय के लिए तैर रहा था। आज तक हम वहाँ पे कभी नहीं गए। रुको, तो तुम्हें लगता है कि ये शार्क यहाँ का है? नहीं पता। पर इसी की वजह से तुम इसकी जाति के बारे में नहीं जान सके अभी तक कि उस पे 100 सालों तक ये कैसे जिंदा है। तुम एक बात भूल रही हो, जो पानी का बहाव होता है समुद्र के काफी गहराई में, वो बहाव एक गाड़ी के सोडे कैन में बदल सकता है जो इतने गहराई में भी जी सकता है। कभी मारा नहीं जा सकता? हाँ। मुझे और भी बताओ क्या क्या लिखा है। बस इतना ही है, जो लोग वो काम कर रहे थे वो सब प्रोब के थे, लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर जब तक पुलिस वहां पे पहुंचती वहां पे कोई भी जिंदा नहीं बचा था। पर अब वो हमारे यहाँ कैसे पहुंचा? तुम समझ रही हो, अब जैक्सन मर गया तो हमारे पास कोई ड्राइवर नहीं है जिसपे हम भरोसा कर सके। तुम्हें इसे यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं उसे भगा के तो नहीं ले जा सकता। कुछ करो इसका, ये तुम्हारी गलती है और ये सब तुम्हारी निगरानी में हुआ था, मुझे और कोई बहाना नहीं चाहिए, समझे? पता है मैं कुछ करता हूँ। तुम्हें करना पड़ेगा, अभी देखते हैं तुम ये सब कैसे ठीक करोगे। ब्राजील के मकाउन, एक पक्षी। ये सिर्फ पक्षी नहीं है, ये पक्षी बहुत ही कम पाए जाने वाली जानवरों की लिस्ट में आते हैं। मैं वैसे 20 कल के हवाई जहाज में डाल सकता हूँ और उसका तुम्हें 10 ग्रैंड आराम से मिल सकता है। 2 करोड़, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात है इसके साथ पांडा मुफ्त है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। कितने पैसे? 10 ग्रैंड मुझे और 10 ग्रैंड बाकी पुलिस वालों को देना पड़ेगा। वो सब मुझे एक टुकड़े में दे दो और मैं तुम्हें 20 ग्रैंड में दूंगा। हाँ ठीक है। ये जो शार्क ने किया है उसका भुगतान। तुम्हें पता है मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के लिए शहर में रखूं। तुम्हें कोई एतराज? मुझे कोई एतराज नहीं। अच्छी बात है, मैं हमेशा से ये मगरमच्छ का त्योहार देखना चाहता था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम बहुत एंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें वहाँ। उस शहर को यहाँ से निकालो। चलो तो वहीं मिलते हैं। बहुत सही समय पर आए तुम। माफ कर दो, कल रात बहुत लेट हो गया। वैसे भी हमें यहाँ करना क्या है? शेरिफ ने हमें यहाँ पर पहरा देने के लिए कहा है, वो तो करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है तुम ही बताओ मुझे।
मुझे लगता है वो कुछ शार के लिए ही होगा। मैंने सुना है कि उसने मगरमच्छों को भी खा लिया है। यहाँ पर कोई शार्क नहीं है, समझे? शेरिफ ने ऐसा कहा है। अब सिर्फ वहाँ पर जाओ और अपनी आंखें खुली रखो। कुछ अजीब घटना के लिए? हाँ, वहाँ कोई शार्क नहीं है। जाओ वहाँ पर। अरे जा रहा हूँ भाई। पागल कहीं का। हाँ मंडलिंग बोल रहा हूँ। यहाँ पर सब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई शार्क नहीं है। चलो। ओके कूपर। सुनो, वहाँ पर एक मगरमच्छ है। उस तरफ बड़ा मगरमच्छ। मुझे ये शरीफ को बताना होगा, बड़ा मगरमच्छ है वहाँ पर। गेटर शेड, क्रिस्टल बोल रही हूँ। क्रिस्टल? हाँ। मैं स्कॉट बोल रहा हूँ, हम कल मिले थे। हो, हेलो, मेरा मतलब कैसे हो? तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? हाँ मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, भूल जाओ उस बात को। क्या तुम अभी पार्टी में आ रही हो? हाँ आती हूँ, पर हमारे दो दोस्तों ने धोखा दिया है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़े समय में आ सकती हूँ। ओके, हम लोग साइप्रस को के यहाँ रुके हुए हैं, बिस्की नदी के पास। क्या तुम आ सकती हो? हाँ जरूर। अच्छी बात है, हम रुकते हैं तुम्हारे लिए। मेरा नंबर सेव किया है? हाँ मैंने किया है। पता है तुम मुझे पसंद करती हो, तो लेट मत करना। क्या वो बात मार गई? हे, वो आ रही है। हाँ वो आ रही है। क्या बात कर रहे हो? स्कॉट, अरे सुनो, फेंको मत उसे। अरे फेंको मत उसे, तुम्हें उसे पकड़ना भी नहीं आता। अरे यार मत करो, संभाल के पकड़ो, संभाल के। आखिर है क्या ये? तो ये एक नक्शा है।
जिसे मार्टिन ने बनाया है, ये वो जगह भी दिखाता है जहाँ शार्क ने हमें खाने की कोशिश की। दरअसल हम इसे एक्सट्रैपोलेट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ शार्क अगली बार जाने वाला है। एक्सट्रैप क्या है? एक्सट्रैप जाने दो। शार्क एक तरह के गोल दिशा में घूमती है एक जगह को तय करने के लिए, ये उनके शिकार करने का तरीका है। रेचल ने यहाँ उसे पहली बार देखा था, जो तुम भी देख सकते हो, ये देखिए। तो इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि शार्क अब कहाँ जा रही है? मुझे पता है। तो अभी वो कहाँ जा रही है? तुम लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लगा। कहाँ जा रही है वो? यहाँ इसकी नदी, मगरमच्छ का त्योहार। Why they leave, I just don't know. Not the one just walked out the door. Scott? Hi. Oh, Crystal, तुम आ गए, ये बहुत अच्छी बात है। आहा, सुनो, आज पानी में मत जाना, मगर मगरमच्छ के त्योहार में भी मत जाना, कुछ खतरनाक होने वाला है वहाँ पर। तुम्हें पता है मैंने बहुत बहाने किए पार्टी के लिए, पर ये बहाना तो नहीं है, मैं मजाक नहीं कर रही। ठीक है, इस तरफ आओ। ए, रुको। चलो। बैग में इसकी मालिश कर रहा हूँ, तू भी आजा। एक शार्क है पानी में और मेरे भाई ने उसे गोली मारने की कोशिश की और उसे थोड़ा सा भी नहीं लगा। वो बहुत खतरनाक है और हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि वो यहाँ वापस आ जाए। सब अच्छा होगा, हम लोग बोट पर हैं। तुम्हें मजा आ रहा है ना? ये लो, ये पियो, तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो ऐसे ही यहाँ से जाने वाले नहीं है। शांत रहो बेबी, यहाँ बहुत मजा आने वाला है। I am a disco dancer. जिंदगी मेरा गाना, मैं उसी का दीवाना। क्या कर रहे हो तुम लोग? हमें पानी से बाहर जाना होगा। हम लोग पानी में नहीं है, हम बोट पर है। रोको इसे। नहीं। अरे नहीं, अरे क्या तुम पागल हो? तो मुझे वापस दो, मुझे वापस चाहिए, वापस दो मुझे। मैं नहीं दूंगा, छोड़ो इसे। भाई आराम से। फेंक दिया। क्या तुम अपने आप पर थोड़ा काबू रखोगे? सॉरी। देखो, जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हें नया फोन खरीदूंगा। पर शार्क का क्या? ठीक है, हम लोग पानी में नहीं जाएंगे, ओके? मैं प्रॉमिस करता हूँ। चलो मजे करते हैं। बस किनारे की तरफ रहना। ठीक है, जैसा तुम कहो। गेटर शेड। रेचल है वहाँ? हाँ, एक मिनट। रेचल, फोन है। हेलो, मैं कुछ तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। क्या? तुम जल्दी से अस्पताल आ जाओ। कब तक? जितना जल्दी हो सके। हाँ, 10 मिनट में आती हूँ। ठीक है। इतने जल्दी आ गए एजेंट बिस्ले? एक बार और देखना चाहता हूँ, अगर तुम्हें तकलीफ ना हो तो। जरूरत पड़े तो मुझे आवाज देना। शुक्रिया लैरी। एजेंट? उस जानवर पर मैं काफी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, माफ करना मैंने तुम्हें नहीं बताया। इतने दिनों से तुमने मुझे बताया? मैं नहीं बता सकता था, तुम्हारे होटल में आने वाले लोगों पे मैं नजर रखता था। और क्या? मैं कुछ लोगों के बारे में जानना चाहता था। निगरानी रख रहे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ मुझे कोई मिल जाएगा जो जानवरों की तस्करी के बारे में मुझे बता। पर ये सब तुम मुझे फोन पर बता सकते थे। हाँ, पर मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। क्या तुम इसे जानते हो? ये बॉडी मुझे सुबह पानी में मिली, तुम ठीक हो ना? ओह, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुम ये देखो, दांतों के निशान। ऐसे दांत मगरमच्छ के नहीं होते, ये शार्क के होते हैं, 3 बड़े निशान। तो ये साबित कर रहा है कि मैं सही थी। अब हमें शार्क और उन लोगों का पता लगाना है जो जानवरों की तस्करी करते हैं। तुम सही थी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही थी। अभी भी वो शार्क वहाँ बाहर है,
चलो फिर उसका शिकार करते हैं। आप जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं वो नेटवर्क में नहीं है। वाह, ऐसा लगता है तुम लोग बहुत बिजी हो। हम तुम्हारे लिए रुके हैं। मैं बस क्रिस्टल को बाय बोल के आती हूँ और फिर हम निकलते हैं। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ है। नहीं, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। चिंता मत करो, वो कहीं टहलने गई होगी। मार्टिन, क्या बात है? कहाँ है क्रिस्टल? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है वो कल कुछ लड़कों से मिली थी, कुछ कॉलेज के लड़के, और वो उनके साथ। ठीक है, कॉलेज के लड़के हैं, पार्टी तो जाएंगे ही, मगर डरने वाली क्या बात है? नहीं, पार्टी बोट मुझे पर ऐसा है। लगता है वो लोग नदी के एक किनारे की तरफ से दूसरी तरफ गए होंगे। हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। हम कहाँ ढूंढ सकते हैं उसे, ये नदी हजार मील लंबी है। जरूरत है रेचल, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मैं टायलर के बात से सहमत हूँ। नहीं, सिर्फ इतना ठीक नहीं है। तुम शांत रहो, मैं तुमसे ज्यादा उस आदमी से नफरत करता हूँ, पर ये बात क्रिस्टल की है। मैं फोन करता हूँ। हमें कॉल करना चाहिए। तुम नहीं, तुम नहीं। टॉमी एक एजेंट है, वो मछली और जानवर की टीम को कॉल करेगा और वो लोग पूरी नदी को छान के क्रिस्टल को घर वापस ले आएंगे। शरीफ वॉटसन से बात कराओ, उसे बताओ खुफिया एजेंट ब्रेसर बात कर रहा है, जरूरी है। खुफिया एजेंट ब्रेसर, शरीफ है? आपको कोई मदद चाहिए? कैसे हो दोस्त? तो तुम एक एजेंट हो? हाँ, सच है। स्टैनली? यस सर। हमारे मेहमानों के लिए कुछ ठंडा मंगाओ। नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इनको लेके जाओ। नहीं नहीं, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, मछली और जानवर यहाँ पे नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो है और हम उन्हें आराम से ढूंढ सकते हैं, आपको पता है। तो इस बारे में तुम मेरे साथ शर्त लगाओगे? हाँ। देखो शरीफ, ये केस तुम्हारे इलाके का। मेरे इलाके से? हर साल हमें कितने मगरमच्छ मिलते हैं जो घूमने फिरने आए मुसाफिरों पे हमला करते हैं। ये अच्छा तो नहीं है, मगर क्या करें इसके लिए। हॉस्पिटल में एक डेड बॉडी हम देख के आए हैं जिस पर शार्क के दांतों के निशान हैं। क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बातों पे विश्वास करूं कि इस पानी में एक शार्क है? हम सब ने देखा है और हमारे पास सबूत भी है कि मगरमच्छ ने उसे नहीं मारा है। तो फिर वो बड़ा सा हरा सा क्या था जिसने मेरे पुलिस वाले पे हमला किया? वो मुझे पता नहीं है, मगर हमारे पास सबूत है कि वहाँ पर शार्क है। उन सभी एरिया को बंद करने के लिए उतने सबूत काफी है। क्या हुआ है तुम्हें? लोग यहाँ परेशान हैं जब से वो तेल गिरा है। यहाँ वो मगरमच्छ का प्रोग्राम होने वाला है जिस वजह से शहर में पैसे आते हो, तुम उसे बिगाड़ना चाहते हो। वहाँ शार्क है। देखो, तुम उस बात की चिंता मत करो, लोगों की सुरक्षा के लिए मैंने अपने पुलिस वाले वहाँ तैनात कर दिए हैं। अगर वहाँ कोई शार्क आता है उसे मैं संभाल लूंगा। वो कोई साधारण शार्क नहीं। मुझे है। मत समझाओ, और ये तुम्हारी कहानी तुम्हारे पास ही रखो, समझे? तुम्हें पता है मैं तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूँ। क्या? मैं खुद गवर्नर को बुला सकता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं होगा, हम साथ पढ़े हैं। ये तुम्हें पता नहीं था ना? देखो, मैं तुम्हें बता दूँ कि तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। देखो, मेरी बात सुनो। क्या? शाह को मारने में हमारी मदद करो, मैं सरकार से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। किस बात की सजा? जानवरों की तस्करी करने की सजा, पुलिस वालों को पैसे खिलाने और बहुत सारे कानून तोड़ने की सजा। तुम गिरफ्तार कर सकते हो, मुंह बंद नहीं कर सकते। हम उस बारे में सोचेंगे जानेमन। तुम ही लोगों को गिरफ्तार करोगे ना? एक्चुअली मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। स्टैनली। यस सर। यस सर। इन सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकालो, या तो जेल में डालो। जरा आराम से। चलो निकलो यहाँ से। आपको तो बताना ही पड़ेगा। प्लीज, ये क्या है? निकलो यहाँ से। रुको, वहाँ बोट है, चलो चलो। ए, रुको रुको, मैं गोली चला दूंगा। रुको, ए, मैं मार दूंगा गोली। रुको।
मुझे ये बात पसंद नहीं कि हमने जेसन को वहाँ छोड़ दिया। पहले हम क्रिस्टल को बचाते हैं और बाद में वापस आकर हम जेसन को बचाते हैं, ठीक है? ठीक है। सुनो सुनो, मुझे मेरी बोट वापस कर दो। ये नहीं होगा शेरिफ, तुम्हारी बोट दिखने में बहुत अच्छी है, तेज है और अच्छी तरह चलती है। मुझे मेरी बोट लौटा दो, समझे? ओके पागल, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, बहुत हो गया, हमें बहुत काम करना है, ठीक है? ये लोग मुझे बोट से उतरने नहीं दे रहे हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हम लोग स्वाम्प में हैं, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। क्या, कौन सा बोट, कहाँ पर? मुझे लगता है हम लोग विस्की नदी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। तुम कहाँ पर हो ठीक से बताओ। हम लोग, अरे बचाओ, नहीं, नहीं, क्या कर, बचाओ, मेरी मदद करो। क्रिस्टल बचाओ, मेरी मदद करो। ये लो, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो हमारे बारे में बता रही है, क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकती हो? क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि हम पकड़े जा सकते हैं? बाप से भरवा देना। नहीं, मेरा बाप इन चीजों के लिए पैसे नहीं भरेगा, उन्होंने पहले से इस पार्टी के लिए पैसे दिए हैं। इस पार्टी के बेवकूफ। अरे तुम शांत हो यार, तुम्हें कुछ पता नहीं चलता वो क्या कर रही है। क्या तुम अपनी बकवास बंद करोगे? अरे इसने बता दिया तो क्या होगा? अरे समझो तुम यार, कुछ नहीं पीना है। नहीं नहीं, तुम शांत रहो, कोई बात नहीं, चुप बैठो तुम। क्या बात है, बारिश, ये क्या हो रहा है? क्रिस्टल, हमें निकलना पड़ेगा अभी। वो कहीं पर भी हो सकती है। उन्होंने कहा था कि विस्की नदी की ओर वो जा रहे हैं, हमें वहाँ जाना चाहिए। तुमने तो कहा था कि वहाँ शार्क जाने वाली है, इसका मतलब वहाँ जाना यानी मौत है। नहीं नहीं, इसे कहते हैं बहन को बचाना। तुम्हें क्या लगता है कि पुलिस हमें बचाने वाली है? पकड़े रहो। पर मेरा जवाब दो प्लीज, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मेरा जवाब दो कूपर, कूपर मेरा जवाब दो। मैं मगरमच्छ के त्योहार में जा रहा हूं, तुम इस इंसान पे नजर रखना। या शो, अगर तुम चाहते हो कि मैं शार्क को पकड़ू तो मैं जा रहा हूं शार्क का शिकार करने। No, man. अरे यार, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पहले ही कहा था मत जाओ। क्या तुम अपना मुंह बंद रख सकते हो? मैं मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ। यहाँ पे तो सिग्नल ही नहीं है, इसीलिए पहले यहाँ रेडियो था। ओके, जिसकी स्टोर छोटी होगी वही जाके देखेगा। तुम कोई वीआईपी नहीं हो क्रिस्टल, तुम्हें भी खेलना पड़ेगा। किसी को भी पानी में नहीं जाना चाहिए, जब तक कोई आ ना जाए हम यहीं रुके। मैं थक गया हूँ, तुम्हें संभालते मैं संभालूंगा। ठीक है, तुम किस्मत वाली हो कि नोआ इतना अच्छा इंसान है, सब दिखाओ। लगता है जीत तुम्हारी हुई। तुम लोग कितना पकाते हो? हाँ यार, यहाँ पूरा जाम हो चुका। थोड़ी कोशिश करोगे तो निकल सकता है। हाँ यार, मुझे वो टूल बॉक्स में से औजार दे दो। हाँ
ये लो। अगर मैं 2 मिनट में नहीं आया तो थोड़ी देर रुक जाना। बातें कम करो, काम ज्यादा। मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रहा यार। यार तुमने अभी कोशिश भी नहीं की। अरे कम से कम 2 मिनट के लिए अंदर जाओ। तुम मजाक बंद करो। कहाँ हो तुम? तोड़! भगवान, यहाँ शार्क है। तोड़! शार्क! आओ, आओ, भगवान से जल्दी आओ। शार्क जल्दी आओ, पकड़ो इसे। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं सब ठीक कर दूँ। No, 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 it's okay, it's okay. Tell her to stay calm. How can you stay calm like this? We have to get out of here. But we're still stuck on something unless you feel like going for a swim to get us loose. Yeah, I promise. Watch her. तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? उसकी मदद करो, जाओ। यहां से निकलने का रास्ता मिल गया मुझे। अरे यार, वो सिग्नल यहीं से आया था। नहीं, मैं रेचल बोल रही हूँ। हम उसे अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, शार्क से पहले। एक मिनट ही, सुनो, मैं उसे मारने का तरीका सोच रहा था। मुझे पता था तुम यही कहोगे। क्या तुम पुलिस चौकी जा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, पर क्या हुआ? मुझे जेसन को जेल से भगाने में तुम्हारी मदद चाहिए। सच में? ओह, पर वहाँ पे स्टैनली है। चलो, मुझे एक और फोन करना है। ओके ओके। तो क्या है, सच है कि तुम फुटबॉल खेलते थे? मैं भी फुटबॉल खेलता था। मैंने कॉलेज के दिनों में फुटबॉल खेला। मुझे शुरू में मौका नहीं देते थे, पीछे बैठा के रखते थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। पूरे 4 सालों तक, सच कह रहा हूं, पूरी टीम मुझ पर निर्भर थी। तुम्हें पता है, पूरा टीम मेरा साथ देती थी। हेलो, स्टैनली बोल रहा हूं। यस मैम। एक मिनट रुकिए, तुम्हारी बहन है। हेलो रेचल। क्या उसने तुम्हें फोन दे दिया है? हाँ। ओके, अच्छी बात है। अब सुनो। ओके। हाँ,
सर एक मिनट। या हो गया, बात हो गई तुम्हारी। हे फोन मुझे वापस करो। ये ताला खोल वरना तेरा गला दबा दूंगा पीछे बैठने okay. वाला ओके बाहर कैसे आए? तुम उसके बारे में चिंता मत करो। आते अब तक चलो, बताया हमें होटल वापस जाना है, तुमने देर लगा दी। हटो यहाँ से, चलो। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरे पास इतने टाइम नहीं है। यार हटो, क्या कर रहे हो? हटो वरना मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। ये कौन सा प्यार है यार तुम्हारा, समझ नहीं आता। आराम से चलाना अभी, हाँ आराम से, एक से पकड़ के बैठो। मेरे पैर को पकड़ो, पानी में मर जाओ। तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। संभाल के हम पकड़े रहो उसे, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। संभाल के पकड़े रहो उसे, बस समस्या ये है कि शार्क जो है वो दुनिया के सबसे कठिन जगहों में से आती है। शार्क के लिए टैंक जैसे बनाना पड़ता है सिर्फ तैरने के लिए। उसे मारने का कोई आइडिया है? टैंक की भी कमजोरियां होती है अगर हमने मौके का फायदा उठाया तो। तुम्हारा मतलब उसका मुंह? हाँ सही कहा, हमें उसे अंदर से मारना पड़ेगा। हाँ मुझे ये पसंद आया। हाँ पकड़े रहो तो, आराम से। क्रिस्टल, रेचल, रेचल, रेचल मैं यहाँ हूँ। वो वहाँ पर, ये हमारे बहुत काम आ सकता है। क्या क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है जिससे उसका पेट खराब हो जाए? इससे काम बन जाना चाहिए। इसे उठा लो। अब हमें सिर्फ एक बोट चाहिए, चलो चलते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वो हमें बोट लेने देंगे? हम उनसे बाद में पूछ लेंगे। ओके रुको रुको, अरे आ जाओ, ये लो, अरे मुझे आने दो, ये पकड़ो। आ जाओ, मैं आ गया। अब चलो रुको, वापस आओ, मेरी बोट लेकर वापस आओ। आराम से, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मैं ऐसे कभी चुपके से नहीं जाऊंगी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे कभी चुपके से नहीं जाऊंगी। तुम्हें कूदना होगा। नहीं नहीं, पहले मैं सारा को लाऊंगी। ओ क्रिस्टल, क्रिस्टल रुको, मैं संभाल लूंगा। तुम क्या सारा क्रेडिट उसे ही देना चाहती हो? क्रिस्टल को लेके आओ, आराम से संभाल के। टायलर, टायलर जल्दी संभाल के। आ, 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 आ,
मैं उसे मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। हम उसे नहीं रोक सकते, हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। हमारे पास नहीं है पर मार्टिन के पास है। किनारे की तरफ चलो, चलो जल्दी। हमें ये चाहिए। मेरी मदद करेगा उसे ज्यादा नदी। ये लो। इसे क्या हुआ? ठीक है, मेरे पास एक अच्छा तोहफा है तुम्हारे लिए। तुम कर सकती हो। सब ठीक है? यहाँ सब ठीक है सर, यहाँ सब अपनी ही मस्ती में, सब एंजॉय कर रहे हैं। किसी ने शार्क को नहीं देखा यहाँ। दुआ करते हैं कि ऐसा ही हो। चले गए वो लोग? पता नहीं सर। किसने देखा उन्हें? सर ये हमारी नाव है सर। हमें जल्दी करना होगा, जल्दी करो। बांधो उसे पहले, ये लो। इसे अच्छे से बांधना होगा। बांधो बांधो उसे पहले। यार तुमने अच्छा किया मेरी बोट वापस लाई। इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, बहुत खून बह रहा है। अब इनका क्या? बाद में बता दो, पहले इनसे निपट लूं मैं। आ यहाँ पे बांधो। अब अरे यार वो आ रहे। जल्दी करो चलो जल्दी बांधो। चलो सुनो, इस जगह को खाली करवाओ, यहाँ शार्क आने वाली है। वहां देखो,
वो दिख रहा है। उन बच्चों को बाहर निकालो, अभी के अभी उन्हें बाहर निकालो, जल्दी। यस सर। बच्चों बाहर निकलो पानी से, जल्दी। जल्दी करो, उसे मारने का यही मौका है। जेसन जाओ। नहीं, जल्दी आओ, इधर, वहां खतरा है। अब उसे पता चलेगा। गोली मारो। नीचे बैठ जाओ। मुझे पता था ये काम नहीं करने वाला। जाओ बोट स्टार्ट करो। हाँ। जल्दी करो, पीछे हटो। चलो आ जाओ, अब तुम नहीं बचने वाले। शार को हमने हरा दिया। यकीन नहीं हो रहा है। वो क्या कर रहा है? खूबी एजेंट, तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ मंडलिंग। तुम बच के नहीं जा सकते। हाथ हटाओ। कभी नहीं। चलो चुपचाप खड़े रहो, मुझे मेरे वकील से बात करनी है। हाँ, मैं वो बाद में बात कर लूंगा। सुनो, इसे हथकड़ी पहनाओ और गाड़ी में ले जाओ। ठीक है। देखो, अब यहाँ का इंचार्ज मैं ही हूँ। चलो, तुम्हें शांत रहने का अधिकार है। तुम कुछ भी बोलोगे तो वो तुम्हारे खिलाफ सबूत बन सकता है। तुम एक वकील को बुला सकते हो। लगता है तुम्हें तुम्हारा आदमी मिल गया। अब तुम क्या करने वाले हो? यहाँ कोई अच्छा होटल है? तुम्हारे साथ कॉफी पीनी थी मुझे। हाँ, मुझे पता है कॉफी अच्छी नहीं है, पर वहाँ काम करने वाली बहुत अच्छी है। वो मेरे लिए काफी है। चलो। This movie is encoded by Dr. Star.
Well, all the girls I've known before have left me hungry, left me poor. Women come and then they go. Why they'd leave, well, I just don't know. Another one just walked out the door. Ain't got no damn luck, baby, that's for sure. So won't you marry me in a whiskey bottle? Give me a kiss and let me take a sip of your love. Susie left me with a broken nose, and when Amy left, she took all my clothes. Jenny turned out to be a man, and Kitty took off with my van. Well, another one just walked out the door. I ain't got no damn luck, baby, that's for sure. Shocked to find George and Ray in bed with Sally, my fiancée. Anna used to call me honey until she found out I had no money. Well, another one just walked out the door. I ain't got no damn luck, baby, that's for sure. So won't you marry me in a whiskey bottle? Give me a kiss and let me take a sip of your love. Yes, it is plain to see women are too confusing for me. But you always been good company, been by my side when I'm in need. Well, another one just walked out the door. Ain't got no damn luck, baby, that's for sure. So won't you marry me in a whiskey bottle? Give me a kiss and let me take a sip of your love. So won't you marry me in a whiskey bottle? Give me a kiss and let me take a sip of your love. So won't you marry me in a whiskey bottle?